दोस्तों इस स्नोमैन के पास कुछ चींटियां चलकर आ जाती हैं और वह सुरंग बनाकर स्नोमैन के अंदर चली जाती हैं और अंदर जाकर स्नोमैन की नाक में लगी गाजर को धक्का देकर गिरा देती हैं और उसको लेकर जाने लगती हैं। तभी आधे रास्ते पहुंचने के बाद वह अचानक रुक जाती हैं और अपने सामने लाल चींटियों को देखती हैं, जिससे वह डर जाती है और अपनी गाजर को वहीं छोड़कर भाग जाती है। फिर लाल चींटियां गाजर को लेकर चली जाती हैं, काली चींटियां दूर खड़ी देखती रह जाती हैं। तभी उनकी नजर एक स्केटिंग बोर्ड पर पड़ती है। रानी चींटी स्केटिंग बोर्ड के आगे बैठती है और सभी चींटियां पीछे से धक्का लगा बहुत तेजी से लेकर जाने लगती हैं और गाजर ले जा रही लाल चींटियों को कुचलकर अपनी गाजर लेकर चली जाती हैं। तभी लाल चींटियां भी दूसरा स्केटिंग बोर्ड लेकर आ जाती हैं और काली चींटियों से गाजर छुड़ा लेती हैं। तभी काली चींटियां रास्ते में एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती हैं और लाल चींटियां भी खाई में गिर जाती हैं, लेकिन गाजर रास्ते में किसी पेड़ से टकराकर वापस काली चींटी के पास आ जाती है। लाल और काली चींटी में कौन ज्यादा पावरफुल होता है, कमेंट में बताइए।